आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप कम्युनिटी पर 5 इमेज वाले पोस्ट बुक करिए और उसका एस्पेक्ट रेशियो कैसे सेट करिए। उसका एस्पेक्ट रेशियो सेट करने के लिए आपको फाइल में जाकर के डिज़ाइन में जाना पड़ेगा। डिज़ाइन में जब आप जाइएगा तो वहाँ पर आप सेट कर पाइएगा कि कैसे। डिज़ाइन में आप जाइएगा तो देखिए स्लाइड में जा कर के यहाँ पे कस्टम स्लाइड करिएगा जब, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू आएगी। तो यहाँ 7.5 इंचेस आप दे दीजिएगा और पोर्ट्रेट कर दीजिएगा तो आपकी साइज 1:1 सेट हो जाएगी। जब 1:1 सेट हो जाएगी तब उसके बाद हम लोग फोटो डेवलप करेंगे। तो फोटो डेवलप करने के लिए हम 5 फोटो ले लेंगे और उसको पावर पॉइंट में सेट करेंगे। तो हमने 5 फोटो लेकर उसको पावर पॉइंट में 1:1 के रेशियो में सेट किया है जो इस प्रकार से है। आज हमारा एनवायरनमेंट डे है जिसके बारे में एनवायरनमेंट को 1:1 रेशियो में सेट किया। उसके बाद उसका कुछ टेक्स्ट भी हमने सेट किया कि क्यों एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है, व्हाट इज सेलिब्रेटेड ऑन 5th जून, दैट इज लेड बाय द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5th जून। 5th जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है एवरी ईयर टू रेज अवेयरनेस अबाउट डिग्रेडिंग एनवायरनमेंटल कंडीशन। जो हर दिन हमारी एनवायरनमेंट कंडीशन खराब होती जा रही है उसको ठीक करने के लिए हम लोग पीपल को एनकरेज करते हैं कि वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट एक्शन लें और फ्यूचर के लिए एनवायरनमेंट को ठीक करने में हेल्प करें। तो उसके लिए एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है और उसकी थीम दिस ईयर सेलिब्रेशन इज ओनली 1 अर्थ। दिस वॉज ऑल्सो द स्लोगन फॉर द 1972 कॉन्फ्रेंस इन स्कॉट होम वेयर द एनुअल ग्लोबल इवेंट वॉज फर्स्ट इंस्टीट्यूटेड ऑन June 5। 1975 में सबसे पहले स्कॉट होम में ऑर्गेनाइज किया गया था। उसके बाद हमने एक और इमेज ली जो है हैप्पी प्राइड डे पे, जो आजकल के का मंथ चल रहा है वो हैप्पी प्राइड मंथ है। और ये गेय लोगों के लिए था जिनको जिनका लव इज़ लव, उनको सपोर्ट चाहिए, उनको इक्वालिटी चाहिए, उनको डाइवर्सिटी चाहिए। और कलर ऑफ प्राइड का 7 कलर है यहाँ पर, कलर है जो कि लव को शो करता है, एंड लव इज़ नेवर रॉन्ग। और अगर आप उनको प्रॉपर सपोर्ट, इक्वालिटी और डाइवर्सिटी देते हैं तो फ्रीडम भी उनको मिलेगी। तो उसको प्राइड डे क्यों मनाया जाता है उस पर भी हमने ये बना रखा है। प्राइड डे पे प्राइड मंथ कमेमोरेट द ऑन गोइंग परसुएट ऑफ इक्वल जस्टिस फॉर द लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर एंड क्वीर कम्युनिटी एंड सेलिब्रेट द अकम्प्लिशमेंट ऑफ LGBTQ इंडिविजुअल। एक उसका नाम रखा गया है द इवेंट दैट कैटलाइज द गे राइट मूवमेंट occurred June 28, 1969 at the Stonewall Inn in the New York City। और आज अगर आप इंटरनेट पर एक्सप्लोरर पर ढूंढिए तो आपको ढेर सारा मिल जाएगा कि क्यों प्राइड डे मनाया जाता है और क्यों गेस को भी इक्वालिटी चाहिए और गेस को भी लव चाहिए, डाइवर्सिटी चाहिए, सपोर्ट चाहिए, इक्वालिटी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएगी और जब उनको प्यार मिलेगा तो वो भी अपने को फ्री फील करेंगे। तो इस तरह से हमने 5 इमेज यहाँ पर 1:1 के रेशियो में बना ली। अब चलते हैं कम्युनिटी पे और देखते हैं कि इसको कैसे पोस्ट करते हैं। और उसको PNG फॉर्म में सेव कर दिया, अलग अलग PNG फॉर्म में हर फाइल को सेव किया। कैसे सेव किया इसको बताते हैं। फाइल सेव एस किया, यहाँ पर डेस्कटॉप पे गए और यहाँ पर देखिए PNG मिलता है पावर पॉइंट में। PNG करके आप उसको सेव कर सकते हैं। जब सेव करिएगा तो फाइल सेव हो जाएगी। अब डेस्कटॉप पे हमारे 5 फाइल बन गई है। अब जिसको 1 by 1 हम लोग पोस्ट कैसे करेंगे हम आपको दिखा देते हैं। तो उसके लिए चलिए हम लोग अपने चैनल पे चलते हैं। चैनल पे चलकर वहाँ पर कम्युनिटी में 5 इमेज कैसे पोस्ट की जाती है देखते हैं। इंटरनेट चैनल होम यूट्यूब चैनल पर चलेंगे।
जब चैनल पे हम लोग पहुंचेंगे तो यहाँ पर देखिए आपकी कम्युनिटी खोली है। कम्युनिटी जब आप खोलिएगा कम्युनिटी जब आप खोलिएगा तो यहाँ पर पोस्ट बोलेगा कि आप करिए। तो ये पोस्ट में देखिए इमेज आ रहा है। जब आप इमेज खोलिएगा तो यहाँ पर जा करके देखिए हमने पोस्ट किया है। अब इसको पोस्ट कैसे किया आपको एक हम पोस्ट करके बता देते हैं। सेल्फ सेलेक्ट फ्रॉम योर कंप्यूटर, तो आपने मान लीजिए ये किया और ओपन किया तो यहाँ पर देखिए ये आ रहा है। इसको एडिट प्रीव्यू करके देखिएगा तो दिखाएगा कैसा दिख रहा है। तो अगर आपको और बड़ी पिक्चर डालनी है तो आप और बड़ी पिक्चर भी डाल सकते हैं। अभी हम क्योंकि डाल चुके हैं तो नहीं डालेंगे। फिर आप देखिए फिर प्लस कह रहा है तो प्लस कहेगा तो अब आप दूसरी पिक्चर डाल सकते हैं। मान लीजिए आपने इसकी टेक्स्ट डाली फिर आप प्लस करिएगा तो इस तरह से पांचों पिक्चर जो अभी हम लोग ने बनाई है वो हम लोग वन बाई वन डाल देंगे। अब वो कैसी दिखेगी हम इसको बताते हैं। अभी हम डाल चुके हैं इसलिए इसको डिलीट कर रहे हैं ना तो रीयूज कंटेंट आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने प्राइड डाला है फिर उसके बारे में डाला है फिर एनवायरनमेंट डाला है फिर उसके बारे में डाला और उसके बारे में डिटेल में डाल दिया है। और जब डाल दिया उसको तो यहाँ पर देखिए ऊपर मेंशन किया है। अब यहाँ पर जब आप देखिए आए तो हमने पोस्ट में क्या लिखा है आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कम्युनिटी में गए कम्युनिटी में आपको यहाँ पर ये देखिए ये पोस्ट कर दीजिएगा तो ऊपर आपको मेंशन करना पड़ेगा अपना चैनल और क्या टॉपिक है उसका हैशटैग। और हमने दो टॉपिक डाला है हैप्पी प्राइड डे और एनवायरनमेंट डे क्योंकि उसने पांच इमेज मांगी है। अदरवाइज एक इमेज होती तो एक ही आप डाल सकते थे। तो इस तरह से आप अपने इसको पोस्ट को डाल सकते हो और यहाँ से जब पोस्ट करिएगा तो पोस्ट डल जाएगा। अब ये पोस्ट आपका होम चैनल पे होम पोजीशन पे आएगा और लोग देखेंगे। यहाँ से आप पोल भी बना सकते हैं। पोल बनाने के लिए यहाँ पे आपको करना पड़ेगा @ रतन अग्रवाल। अब आपको हम बता रहे हैं कि कैसे हमने किया था। अगर आपने मेरा पोस्ट प्राइड डे और एनवायरनमेंट पर पोस्ट नहीं देखा तो देख लीजिए। ये पोल बनाए यहाँ पे लिखा देख लिया यहाँ पे बनाया देखने जा रहे यहाँ पे बनाया आ गया बनाना। अगर आपने सीखा तो उसको आ गया बना सीख लिया कर लीजिए। और यहां से पोस्ट कर दिया तो या तो लोग पोस्ट देखेंगे या तो आपका पोल देखेंगे कुछ तो देखेंगे। तो इस पे ये दो चीजें आपकी पोस्ट हो गई। एक तो इमेज पोस्ट हो गई और एक पोल पोस्ट हो गया। और वीडियो तो आप रोज ही करते हैं जो वीडियो बनाते हैं उसको शेयर करते हैं तो वो कम्युनिटी पे ही आता है।
आजकल पोल में भी पिक्चर की फैसिलिटी है, लेकिन इसमें शायद अपडेट नहीं हुआ है, इस वजह से वो नहीं दिखा रहा है। उसको जब हम अपडेट कर लेंगे तो आपको बताएंगे। सो दिस इज ऑल टू द व्यूअर। इफ यू लाइक दिस प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल रतन अग्रवाल IT इन्फॉर्मर। थैंक यू।